नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षकों के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग एवरेज से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और वे शिक्षक जो कि सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 संख्याओं का योग 240 दिया गया है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत दिया गया है 30 तथा अंतिम दो संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 70, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योग दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं 5 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 संख्याओं का योग हमारा दिया गया है 240, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का जो औसत है वो 30 है, तो मान लेते हैं ये जो पहली दो संख्याएं हैं इनका औसत दिया गया है 30। औसत मतलब जितनी संख्याएं होती है उनका डिवाइड होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो इन दो संख्याओं का औसत हमारा दिया गया है 30, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हो जाएंगी, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 60, ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 60। अब आगे दिया गया है कि अंतिम दो संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। अंतिम दो संख्याएं कौन सी हैं? अंतिम दो संख्याएं हमारे 4 और 5 संख्याएं हैं, तो इन दो संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 70, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी 140। पहली दो संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो गया 60, अंतिम दो संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो गया 140। कहा गया है तीसरी संख्या क्या है, तो हमारा बचा कि कौन सा तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या हम लोग निकालेंगे किस प्रकार, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। और पहली दो संख्याओं हमें प्राप्त है 60 प्लस 140, तो तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी इज इक्वल टू 240। तीसरी संख्या हो जाएगी, इन दोनों का प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 240 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 200, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 200, तो तीसरी संख्या में हम लोग क्या देखते हैं, ये 60 प्लस 140, ठीक है, क्योंकि 60 हम लोग का दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 60 आया था, और अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आया था, 140 आया था, ठीक है। तो तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या इज इक्वल टू 240, इन दोनों का योग 200, तो इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो तीसरी संख्या हम लोग का कितना है, ये 40 तीसरी संख्या हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 306, ये दशमलव है 306.4, ये 5 संख्याओं का औसत जो है दिया गया है। फिर कहा गया है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत दिया गया है 431, ठीक है, और अंतिम दो संख्याओं का जो औसत है वो दिया गया है 214.5, तो तीसरी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत हम लोग को दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 306.4, ये 5 संख्याओं का औसत जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 306.4 × 5, ठीक है, ये 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग किस प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार हम लोग ऊपर में किए थे कि दो संख्याओं का योग निकालने के लिए जो दो संख्याएं दिए गए हैं उनको इंटू कर रहे थे, अर्थात कि गुना कर रहे थे, तो दो संख्याओं का योग आ जा रहा था, ठीक है। उसी प्रकार 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 306.4 दिया गया है, तो 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 306
4 गुने 5 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 5 चौके 20 0, उसके बाद 5 छः 30 और 2 32 और 5 दिया 15, ठीक है। 1 5 3 2 इन पांच संख्याओं का योग हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली दो संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो दिया गया है 431, ठीक है 431। तो पहली दो संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 431 इंटू 2, इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 862 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतिम दो संख्याओं का जो औसत है 214 दिया गया है, तो अंतिम दो संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 214.5 गुना 2, ये हो जाएगा अंतिम दो संख्याओं का योग, ठीक है 214.5 गुना 2, इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10 0, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। तो पहली दो संख्याओं का योग हमें मिल गया, अंतिम दो संख्याओं का योग हमें मिल गया, तो तीसरी संख्या हमें निकालना है, तो तीसरी संख्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1532 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पहली दो संख्याएं, जैसे कि अगर हमारे पास पांच संख्याएं इस प्रकार हैं, तो पहली दो संख्याएं हमें मिल गई, पहली दो संख्याएं क्या है 862, और अंतिम दो संख्याएं मिल गई कितना है 429, हमें तीसरा संख्या प्राप्त करना है, तो तीसरा संख्या इज इक्वल टू टोटल जो हमें पांच संख्याएं हैं उसमें इन दोनों का योग को माइनस कर देंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9 और 2 11 6 7 8 और 1 9 और 8 और 4 12, तो इतना मिल जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, फिर 9 से 13 आएगा, 9 10 11 12 और 13 4, ठीक है 4, उसके बाद 12 से 15 जाएंगे, 12 13 14 2 241 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 241 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी ऑप्शन में 241 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो आसान सा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार है कि पांच संख्याओं का औसत दिया गया है 65, तो इनमें से हमें बताना है कि दो संख्याओं का जो औसत है वो 81 है और आखिरी दो संख्याओं का औसत 38 है, तो सेम है, तो पांच संख्याओं का जो योग है, पांच संख्याओं को औसत दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग का पांच संख्याओं का जो योग होगा, पांच संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पांच संख्याओं का योग हम लोग का हो जाएगा 65 इंटू 5, ये पांच संख्याओं का योग हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो पांच संख्याओं का योग 65 इंटू 5 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 5 5 25 5 6 30 और 2 32, ठीक है 325 आ गया। उसके बाद हमें दिया गया है प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 दिया गया है, तो प्रथम दो संख्याओं का जो योग है वो हम लोग का हो जाएगा 81 इंटू 2 करेंगे तो 2 और 6 162 हो जाएगा, और अंतिम दो संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 38 दिया गया है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग जो है वो हो जाएगा 38 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है 3 दूनी 6 और 1 7, तो 76 हो गया। तो हमें पूछा गया तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हम लोग जैसे निकाले थे आगे उसी टाइप से निकालेंगे, 325 माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे 8 और 3 2 238 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 7, इसको माइनस करेंगे 8, तो 87 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 87 है, तो ऑप्शन बी है 87, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप का है,
13 संख्याओं का जो औसत है वो 68 है, 13 संख्याओं का औसत दिया गया है 68, उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो दिया गया है 70, तो सातवीं संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 13 संख्याओं का जो औसत दिया गया है तो 68 दिया गया है, 13 संख्याओं का औसत दिया गया है 68, तो 13 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 68 into 13। तो 68 into 13 अगर करेंगे हम लोग तो 8 3 24 4, हाथ में 2 6 3 18 और 2 20 into 8 और 6 4 8 और 8। तो ये टोटल जो 13 संख्याओं का योग हमारे पास निकल के आ रहा है तो 884, ये 13 संख्याओं का योग निकल के आ रहा है। प्रथम 7 संख्याओं का जो योग निकालेंगे तो हो जाएगा 63 into 7 = 7 21, हाथ में 2 6 7 42 और 2 43 44, 441 हो जाएगा। और अंतिम 7 संख्याओं, प्रथम 7 संख्याओं का योग हो गया, अंतिम 7 संख्याओं का अगर योग हम लोग देखते हैं, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 दिया गया है, तो उसका योग हो जाएगा 70 × 7 = 490। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि सातवीं संख्या क्या है। तो हम लोग का 13 संख्याओं का योग आया 834। अगर हम लोग प्रथम 7 संख्या और अंतिम 7 संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा टोटल संख्या आ जाएगा 14 संख्याओं का योग आ जाएगा, जबकि हमें 13 संख्याओं का योग पता है। मतलब इनका जो भी प्लस आएगा उससे अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो सातवां जो संख्या बच रहा है हम लोग का उसका मान हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको प्लस करेंगे तो 3 931, माइनस जो 13 संख्याओं का योग आया है हम लोग का उसको माइनस करेंगे 884। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हो जाएगा 7, और 8 से 3 अगर जाएंगे, 13 अगर जाएंगे तो हो जाएगा 47। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 47। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 47 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का जो औसत दिया गया है वो 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए तथा बी, ए प्लस बी का औसत दिया गया है 20, अर्थात कि ए प्लस बी का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 20, तो ए प्लस बी जो है वो निकल के आ जाएगा 40, बी तथा सी का औसत दिया गया है 19, तो बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा 38, उसके बाद हमें दिया गया है सी तथा ए का औसत, तो सी तथा ए का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 21, तो सी प्लस ए जो है वो हो जाएगा 42, ये हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा तो 2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 40 + 38 + 42। 2 क्यों लगा, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, इसीलिए 2 ए प्लस बी प्लस सी का जो प्लस होके आएगा तो इतना आएगा, इसको प्लस करेंगे 0। ठीक है, 120 इसका जो प्लस है वो निकल के आ रहा है, लेकिन हमें पूछा गया है ए का मान। ठीक है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हो जाएगा 60, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 60। हमें पूछा गया है ए का मान, तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम लोग बी प्लस सी को माइनस कर देते हैं तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें आया है 60 और बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है 38 है, तो 38 माइनस कर देंगे, इसमें आएगा 2 और इधर आएगा 2, तो 22 जो है वो आंसर आ जाएगा ए का मान। तो देखते हैं ऑप्शन बी में 22 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रकार हम लोग अन्य जो भी टॉपिक है उसको एक एक करके करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की कम्पिटेटिव परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।